पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को लेकर लगातार उनके फैंस और हस्तियां उनकी सलामती की दुआएं मांग रही हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते शनिवार के दिन घर में जिम में वर्कआउट करने के दौरान सौरव गांगुली को हार्ट अटैक आया था, जिसके चलते उन्हें कोलकाता के वुडलैंड्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फिलहाल सौरव गांगुली की हालत पहले से काफ़ी स्थिर बताई जा रही है, लेकिन अब सौरव गांगुली के इलाज को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में मेडिकल बोर्ड की मीटिंग में उनके इलाज के अगले पड़ाव का फैसला किया गया है। इस बात का खुलासा किया है सौरव गांगुली के बड़े भाई स्नेहा आशीष गांगुली ने। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में सौरव के भाई स्नेहा आशीष ने बताया है कि सौरव गांगुली की एंजियोप्लास्टी के बाद अब हालत पहले से काफ़ी स्थिर है, लेकिन साथ ही साथ बताया है कि अगले उपचार के लिए डॉक्टर्स जल्द ही फैसला लेने वाले हैं। डॉक्टर्स अभी उनकी दूसरी एंजियोप्लास्टी करने का विचार कर रहे हैं। स्नेहा आशीष की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 48 साल के हैं सौरव गांगुली और दिल का दौरा पड़ने के चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। वहीं डॉक्टर्स के मुताबिक सामने आया है कि शरीर में ऑक्सीजन का स्तर 98% है और हमें ये भी देखना है कि उन्हें स्टेंट डाले जाने की ज़रूरत है या फिर नहीं। अभी क्रिटिकल केयर यूनिट में उन्हें भर्ती किया गया है। फिलहाल सौरव गांगुली हॉस्पिटल में एडमिट हैं और लगातार डॉक्टर्स उन पर निगरानी बनाए हुए हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।